अनुपम अद्भुत अटल अयोध्या कल आज और कल। आज कार्यक्रम की इस कड़ी में हम इस अयोध्या नगर के ऐतिहासिक महत्व और सनातन हिंदू धर्म में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालेंगे और मंदिरों की इस दिव्य भूमि पर स्थित कुछ और प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करेंगे। अयोध्या और प्रभु श्री राम एक दूसरे के पूरक हैं। इस नगर में जहां प्रभु श्री राम के अनेक मंदिर हैं, वहीं माता सीता की कुल देवी का भी एक मंदिर है। छोटी देवकली नामक ये प्राचीन मंदिर रामायण काल का बताया जाता है। अयोध्या और प्रभु श्री राम एक दूसरे के पूरक हैं। इस नगर में जहां प्रभु श्री राम के अनेक मंदिर हैं, वहीं माता सीता की कुल देवी का भी एक मंदिर है। छोटी देवकाली नामक ये मंदिर प्राचीन मंदिर रामायण काल का बताया जाता है, जिसको राजा दशरथ ने सीता जी के परिवार की कुल देवी देवकाली माता की पूजा के लिए बनवाया था। छोटी देवकाली मंदिर अयोध्या का प्रमुख सिद्ध शक्तिपीठ है, जो सीता जी की कुलदेवी श्रद्धेय देवकाली माता की पूजा के लिए समर्पित है और यहाँ संध्या काल में नियमित रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस का पाठ किया जाता है, जिसमें भारी संख्या में भक्तगण हिस्सा लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रभु श्री राम से विवाह के बाद माता सीता अपने साथ गिरिजा देवी की मूर्ति को लेकर अयोध्या पहुंची। माँ श्री छोटी देवकाली जी का मंदिर माँ सीता जी के साथ में, ये उनकी कुल देवी हैं जिनको अयोध्या लेकर के माता सीता जी अयोध्या लेके आईं और इनका पूजन अर्चन यहाँ किया करती थी। राजा दशरथ ने उनके पूजा पाठ के लिए एक सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया और उस मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया। माता सीता यहाँ प्रतिदिन पूजा करती थी। वर्तमान में ये मंदिर देवी देवकाली को समर्पित है और अनन्य भक्तों की आस्था का केंद्र है। अयोध्या में आस्था तो बहुत पहले भी थी, लेकिन उस आस्था का जो श्रृंगार होता है वो श्रृंगार आज दिखाई पड़ रहा है। उस आस्था का विश्वास जो होता है, जो लोगों में लगन होती है, वो आज 10-20 वर्षों पूर्व जो थी उससे कहीं 10 गुना आज अधिक है। और आज वर्तमान की स्थितियां देखा जाए तो बहुत लोगों की आस्थाएं मजबूत और अच्छी बनी रही हैं। छोटी देवकाली का ये मंदिर कई दंत कथाओं से जुड़ा हुआ है और ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर में पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। राम नवमी, राम विवाह और जानकी नवमी जैसे त्योहारों पर यहाँ विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और धूमधाम से मनाए जाते हैं। आषाढ़ नवरात्र और अश्विन नवरात्रोत्सव जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर मंदिर में खूब रोशनी और सजावट की जाती है और एक भव्य आरती आयोजित की जाती है, जिसमें भारी संख्या में भक्तगण, पर्यटक, तीर्थयात्री और स्थानीय लोग देवी की पूजा और प्रार्थना करने आते हैं। शिव त्रिलोक
आइए अब चलते हैं अयोध्या के प्रसिद्ध शैव मंदिर श्री नागेश्वरनाथ मंदिर के दर्शन करने और जानते हैं इस मंदिर से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य और पौराणिक कथाएं। अयोध्या पौराणिक कथाओं में डूबा हुआ और लाखों लोगों द्वारा पूजनीय प्राचीन शहर कई पवित्र स्थानों का घर है और इनमें से एक है अयोध्या का गौरव कहे जाने वाला प्रसिद्ध और प्राचीन श्री नागेश्वरनाथ मंदिर जो भारत की समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है। ये मंदिर भोलेनाथ भगवान शिव जी को समर्पित है और इसके गर्भगृह में भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है। किंवदंतियों के अनुसार श्री नागेश्वरनाथ मंदिर की स्थापना प्रभु श्री राम के सुपुत्र कुश ने की थी। एक बार अयोध्या के तात्कालिक नरेश श्री कुश सरयू नदी में स्नान कर रहे थे और स्नान करते समय वो अपना बाजू बंद खो बैठे थे, जिसको एक नाग कन्या ने उठा लिया था जो राजा कुश से प्रेम करने लगी थी। चूंकि वो भगवान शिव की भक्त थी इसलिए कुश ने उसके लिए ये मंदिर बनवाया था। भगवान नागेश्वरनाथ अयोध्या के एक स्थानीय देवता हैं। ये मंदिर भगवान नागेश्वरनाथ को समर्पित है। मंदिर की संरचना में अर्ध दिव्य नागाओं को भगवान शिव की पूजा करते हुए दिखाया गया है। यद्यपि ये पवित्र स्थल राजा विक्रमादित्य के समय तक अच्छी स्थिति में था, मगर बाद में संभवतः खराब रख रखाव की वजह से यह मंदिर टूट फूट गया था। वर्तमान मंदिर का निर्माण 1750 में अवध के तात्कालिक नवाब सफदरजंग के मंत्री राजा नवल राय जी ने करवाया था। हमारे प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग ने लगभग 40 से अधिक प्राचीन मंदिरों को संरक्षित करने का बीड़ा उठाया है। यहाँ के आम जनता ने वह प्रस्ताव रखा, यहाँ के जन प्रतिनिधियों ने वो प्रस्ताव शासन को भेजा और 40 से अधिक मंदिरों का उसी रूप में संरक्षण किया जा रहा है जिस रूप में वो पहले प्राचीन काल में थे। तो हम गलियों में भी जा रहे हैं, हम सड़कों पर भी आ रहे हैं और हम बृहत्तर भारत की ओर, बृहत्तर विश्व की ओर भी अयोध्या को ले जाकर खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ये थाती जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ऐतिहासिक है, बहुत सांस्कृतिक दृश्य समृद्ध है। ऐसे मंदिरों का, ऐसे कुंडों का, यहाँ के एक से एक नायाब कुंड बने हैं। आप सूर्य कुंड को जा करके देखिए, वहाँ हम लेजर शो कर रहे हैं, उसको आज के मॉडर्न वर्ल्ड के साथ जोड़ रहे हैं। वहाँ सूर्य की प्रतिमा स्थापित है, वहाँ मान्यता है कि सूर्य देवता इक्ष्वाकुओं के अधिष्ठात्र देवता थे और उनकी परिकल्पना के हिसाब से बृहत कुंड का निर्माण किया गया। इस तरह से अयोध्या के ढेर सारे कुंडों का हमने जीर्णोद्धार कराया है, हम उसके विकास की ओर अग्रसर हैं और आने वाले दिनों में यह कला, संस्कृति और पर्यटन का एक और महत्वपूर्ण केंद्र बन करके उभरेगा। Thank you.
श्री नागेश्वर नाथ मंदिर में महाशिवरात्रि और त्रयोदशी आदि का त्यौहार बड़े पैमाने पर मनाया जाता है और इन उत्सवों के दौरान शिव बारात या भगवान शिव का जुलूस निकाला जाता है जो यहाँ का एक महत्वपूर्ण आकर्षण है। महाशिवरात्रि और त्रयोदशी आदि के दौरान यहाँ इस मंदिर में हजारों भक्त आते हैं तथा स्थानीय भक्तों, तीर्थयात्रियों तथा श्रद्धालुओं की उपस्थिति में ये सभी त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। अंत में चलते हैं अयोध्या के प्रसिद्ध श्री वाल्मीकि भवन मंदिर। मंदिरों की नगरी अयोध्या जी में कालजयी रचना रामायण के रचनाकार श्री वाल्मीकि जी को समर्पित ये विशेष मंदिर अपना एक अलग स्थान रखता है। वाल्मीकि भवन एक अनूठा मंदिर है जिसकी दीवारों पर रामायण के सभी 24,000 छंद अति सुंदर ढंग से उकेरे गए हैं। ये उन दुर्लभ मंदिरों में से एक है जो एक कहानीकार को भी उतना ही मान सम्मान देता है जितना कि ये उसकी कहानी का जश्न मनाता है। माना जाता है कि महाकाव्य रामायण के रचयिता वाल्मीकि ने अयोध्या में काफी समय बिताया था और वाल्मीकि भवन वही स्थान है जहां उन्होंने अपने जीवन काल में इस पवित्र शहर में निवास किया था। इस भवन की ऐतिहासिक जड़ें प्राचीन काल से चली आ रही हैं जो अयोध्या की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का एक जीता जागता प्रतीक हैं। वाल्मीकि भवन के आसपास का वातावरण पवित्र रामायण के भजनों और छंदों के लयबद्ध मंत्रोच्चार से मनमोहक हुआ करता है और आध्यात्मिक माहौल भक्तों को वाल्मीकि युग में ले जाता है। राजधानी में जन्मे राजा होकर के स्थापित हुए श्री राम ने, जिनका राज्य दुनिया भर में प्रसिद्ध है, उन्होंने राजधानियों के प्रमेय को भंग किया और वे दुनिया के लिए उदाहरण बने कि चरित्र का निर्माण राजधानियां नहीं करती, मेरे बच्चे राजधानी में जन्म नहीं लेंगे। और श्री राम के पुत्र श्री जानकी के गर्भवती होने के साथ ही उनको वन में भेजा गया।
महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में तपस्वियों के साथ रहे, वहीं जन्मे, वहीं उनका पोषण हुआ। और कुश और लव ने तपस्वियों के साथ रहकर, महर्षि वाल्मीकि के साथ रहकर, वन में रहने वाले लोगों के संसाधनों के बीच पालन पोषण पाया और अयोध्या के योद्धाओं को दोनों भाइयों ने बिना किसी सेना के श्रीराम के अश्वमेध का घोड़ा रोका और परास्त कर दिया। ये अनायास नहीं हुआ है, ये वो श्री राम हैं जो बताते हैं कि चरित्र का निर्माण राजधानियों में और सुविधाओं में नहीं, चरित्र का निर्माण चरित्र और अनुशासनों की सीमा में होता है, जो नितांत अभावों के भीतर भी हो सकता है। जहां उनके मधुर छंदों ने इस कालजयी कृति को जन्म दिया, वाल्मीकि भवन, जो महान ऋषि वाल्मीकि से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान है। वाल्मीकि भवन की संरचना अपनी विशिष्ट वास्तुशिल्प विशेषताओं से भरी पड़ी है, जो अयोध्या के प्राचीन युग की सांस्कृतिक और कलात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित करती है। वाल्मीकि भवन के सफ़ेद संगमरमर हॉल में कदम रखते ही दर्शन करने वाले भक्त स्वयं को रामायण कालीन समय में पाते हैं। भवन की दीवारें महाकाव्य के महत्वपूर्ण दृश्यों को चित्रित करने वाली जटिल नक्काशी से और अधिक जीवंत बना दी गई हैं, जिसमें अयोध्या की भव्यता, राम का वनवास, सीता का अपहरण, लंका की वीरतापूर्ण लड़ाई और अंततः विजयी होकर अयोध्या की वापसी को दर्शाया गया है। भवन में वाल्मीकि को समर्पित एक गर्भगृह है, जहाँ भक्त प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। ऋषि की एक मनोरम प्रतिमा उनके शिष्यों लव और कुश के साथ आंतरिक गर्भगृह की शोभा बढ़ाती है। वाल्मीकि भवन मंदिर का आध्यात्मिक महत्व इस विश्वास में गहराई से निहित है कि वाल्मीकि ने दैवीय चिंतन से प्रेरित होकर इसके पवित्र सीमाओं के भीतर रामायण की रचना की थी। तीर्थयात्री और भक्त इस महान ऋषि को श्रद्धांजलि देने और धार्मिक और सात्विक जीवन के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए इस प्रतिष्ठित स्थल पर आते हैं। आध्यात्मिकता से भरे ये भवन बौद्धिक रूप से जिज्ञासु लोगों की भी सेवा करता है। एक अच्छी तरह से भंडारित पुस्तकालय में हिंदू धर्म से संबंधित धर्म ग्रंथों और ऐतिहासिक लेखों का एक विशाल संग्रह है, जहाँ पर प्राचीन भारतीय परंपराओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अनुपम अद्भुत अटल अयोध्या कल आज और कल, अविरल पावन उज्ज्वल अयोध्या कल आज और कल। जय सियाराम जय जय सियाराम, जय सियाराम जय जय सियाराम। अनुपम अद्भुत अटल अयोध्या